नमस्कार दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में मैं आप लोगों को मन की शक्तियों के बारे में बता रही हूँ। मन जिसे कंट्रोल करना ऋषि मुनि भी फेल हो जाते हैं, और मन जिसे काबू में करने के लिए जितनी भी साधना की जाती है वो सब सिर्फ और सिर्फ इस मन को काबू में करने के लिए की जाती है। क्योंकि जिसका मन काबू में आ गया वो संत हो गया। चलिए कुछ इन मन की शक्तियों के बारे में बातचीत करते हैं आप लोगों से, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सब्सक्राइब का बटन क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर क्लिक करें। देखिए, मन की शक्तियां जो हैं इन्हें मानसिक शक्ति कहते हैं, और ये सब मनुष्य के भीतर में है। मनुष्य शब्द ही मन से बना है, क्योंकि इस दो हाथ दो पैर के शरीर में बैठा हुआ इंसान इंसान नहीं, मन, सबके मन चल रहे हैं और दिमाग को भी मन ही चला रहा है। मन चल रहे हैं, मन से मनुष्य बना है। ये मानसिक शक्तियाँ यानी ये जो मन की शक्ति है, ये अगर इनके ऊपर कोई कंट्रोल कर लेता है और इसे परमात्मा की तरफ ले जाता है तो समझिए वो बुद्ध हो गया, और कोई इन्हें संसार की तरफ ले जाता है तो समझिए सिकंदर हो गया। ये सारा खेल ही मन का चल रहा है। संत लोग इस मन को परमात्मा की तरफ मोड़ने की सलाह देते हैं। मैं यहाँ उल्लेख कर रही हूँ इन मन की शक्तियों के बारे में, सो आप इन्हें जानें, इनका सदुपयोग करें। इन पर अधिकार पाना सबके बस की बात तो नहीं, पर अगर कोई इसे जान लेता है तो वही इसे ज़रूर करने की कोशिश कर सकता है। चलिए इसको बताते हैं। मन की सारी शक्तियों को हम तीन शक्तियों के रूप में बांट देते हैं, तीन कैटेगरी रख देते हैं, तीन नाम दे देते हैं। सबसे पहला नाम जो दिया जाता है मन की शक्ति का, जो सबसे पहला और सबसे निचले स्तर का काम है, कल्पना शक्ति। ये कल्पना शक्ति जो है ये मन के सबसे निचले हिस्से में रहती है। ये हर संसारी के मन में है, जो सिर्फ कल्पना कर रहा है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये होगा वो होगा। धन का सपना देख रहा है तो धन की कल्पना करेगा, काम करे ना करे, लेकिन उसकी कल्पना में ये होगा कि मैं कहीं का बादशाह हूँ, तो वो अपनी कल्पना से ही चलता रहेगा। किसी सुंदर लड़की को देख लेगा तो कल्पना करने लगेगा। ये कल्पना शक्ति जो है ये कहीं का कहीं, आप यहाँ बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, कल्पना शक्ति आपको ब्रह्मांड तक घुमा लाएगी। पर जो निचले दर्जे के लोग होते हैं उनकी कल्पना शक्ति जो है वो भी बहुत वीक होती है, यानी सिर्फ वो कल्पना कर सकते हैं, उसके पूरे होने के कहीं कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उनकी कल्पना में उतना जोर नहीं होता, विकारों में भी फंसे हुए हैं, इनका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। बात किसी से कर रहे हैं, कल्पना में कुछ और है। अब मैं आती हूँ दूसरी शक्ति पे। ये दूसरी शक्ति आती है इच्छा शक्ति, ये पीछे कहलाती है। पहली कल्पना शक्ति जो निचले दर्जे में है, दूसरी इच्छा शक्ति जो बीच के में आती है। अगर किसी की कल्पना शक्ति निचले दर्जे में है, उसके बाद उसके अंदर अगर थोड़ी सी उसके कर्मों में प्रभाव आता है, तो वो जिस चीज़ की कल्पना कर रहा है उसे पाने की उसके अंदर इच्छा भी उठनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी
इच्छा शक्ति वीक है, इसको भी जानने की ज़रूरत है कि इच्छा शक्ति जो है, यानी आपने कल्पना की कि आज मेरे पास धन आए, अब आपकी मेरे पास धन है, मैं बहुत सारा मकान अच्छा बन जाए या कुछ इस तरह से, और अब आप अपनी इच्छा शक्ति उठती है कि मुझे इसको करना चाहिए और वो उठ के करना शुरू करता है। ये इच्छा शक्ति जो उसकी है, उसकी अगर प्रबल होनी शुरू हो जाती है तो जिस चीज़ की वो कल्पना कर रहा है अपने इच्छा शक्ति के बल पर उस काम को पूरा करने की कोशिश में लग जाता है। क्योंकि उसे अपने मन में, क्यों उसे मन नचा रहा है, मन इच्छा कर रहा है कि मुझे मिल जाए, क्योंकि कल्पना की है, कल्पना में उसने उस चीज़ के अपने इमेजिन कर लिया है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है, उसको चाहिए ही चाहिए, ये उसकी इच्छा शक्ति में। अब इसके बाद अगर किसी का कोई अच्छा कर्म है तो इस कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति के बाद जो एक और शक्ति उभर कर सामने आती है मन की, वो है विचार शक्ति, जिसमें ये विचार शक्ति है। क्योंकि जो निचले दर्जे के लोग हैं उनमें सिर्फ कल्पना शक्ति होगी, इच्छा शक्ति होगी, लेकिन विचार शक्ति नहीं होगी। वो अपना भला और बुरा नहीं सोच पाते, वो किसी भी चीज़ की कल्पना कर लेंगे, किसी भी चीज़ की इच्छा कर लेंगे, ये सोचे समझे बिना, ये विचार किए बिना कि वो चीज़ उनके लिए सही भी है या नहीं। और अगर किसी की विचार शक्ति प्रबल होगी तो वो विचार करेगा कि जिस चीज़ की मैंने कल्पना की है, जिस चीज़ की मैंने इच्छा की है, वो चीज़ मुझे पानी चाहिए या मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, वो कहीं मेरा पाप या मेरा पुण्य तो नहीं बन रहा, या फिर उससे किसी और को नुकसान तो नहीं हो रहा। और विचार शक्ति भी अपने उच्च लेवल पे होगी तो विचार शक्ति आपको ये बताएगी कि ये चीज जो है ये किसी को कष्ट नहीं देगा। ये विचार शक्ति जिसकी प्रबल होगी ना खुद को कष्ट देगा ना किसी दूसरे को कष्ट देगा, वो इस तरह से कार्य को करेगा जिसमें कि उसका अपना भी नुकसान ना हो, दूसरे का भी ना हो। कई लोग ये कर लेते हैं, ऐसा विचार उनके मन में बैठ जाता है कि हमारा भला हो ना हो दूसरे का होना चाहिए। नहीं, विचार शक्ति की जो उच्चतम अवस्था में आकर ये समझ में आता है कि ना मेरा बुरा हो ना किसी दूसरे का बुरा हो। ये तीन शक्तियां जो हैं इन्हें जान लेना, इन्हें कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। अपने मन को देखें कि वाकई ये चीज़ है जो बताई गई है। और अगर आप साधना में हैं, भगवान का नाम लेने में है, क्योंकि जिसकी, देखिए ये ध्यान रखिए, जिसकी विचार शक्ति स्ट्रांग होगी वो कल्पना शक्ति से निकल आएगा, उसे कल्पना की ज़रूरत नहीं है, वो इच्छा शक्ति पे भी विचार नहीं करेगा, वो विचार के ऊपर ही विचार है कि मैंने ये विचार किया है, ये करने लायक काम है और इसे करना है, और ये करने लायक नहीं है इसे नहीं करना है। ये विचार शक्ति की प्रबलता है, उच्चतम अवस्था है। उम्मीद है ये छोटी सी जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इन तीनों शक्तियों के ऊपर जो एक वो शक्ति है उसके बारे में बताऊंगी। वो शक्ति क्या है, क्योंकि वो शक्ति अगर किसी पे आ गई तो इंसान इन तीनों शक्तियों के ऊपर काबू पा लेगा
और ये काबू पाने के बाद वो मन को अपने अकॉर्डिंग चला सकेगा। धन्यवाद।